हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मेडिवीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे पेंटॉप 80mg टेबलेट के बारे में, पेंटॉप 80mg टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट में दोस्तों सॉल्ट कंटेनर, उसका नाम है पेंटापेराजोल 80mg दोस्तों सॉल्ट डाला गया है, और ये दोस्तों अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज हम देंगे इस टेबलेट के बारे में आपको जानकारी, इसके उपयोग, इसके साइड इफेक्ट और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को कर लो जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों पेंटॉप 80mg टेबलेट का उपयोग जो है सीने में जलन जो होती है उसका इलाज करने के लिए किया जाता है, पेप्टिक अल्सर रोग का उपचार करने के लिए किया जाता है, और एसिड रिफ्लक्स का उपचार करने के लिए इस टेबलेट का जो उपयोग है किया जाता है। तो सर चलिए बात करते हैं सीने में जलन का उपचार करने के लिए इसका टेबलेट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जलन और एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब आपके पेट के ऊपर की मांसपेशी बहुत अधिक स्थिर हो जाती है और पेट की सामग्री और एसिड को आपके अन्न प्रणाली और मुंह में वापस आने की अनुमति देती है। पेंटॉप 80mg टेबलेट जो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। आप जीवन शैली में कुछ बदलाव करके दवा की प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ खाने के पदार्थों से परहेज करना चाहिए जो शामिल है, जिनसे लक्षण बढ़ते हैं उन खानों को खाने से परहेज करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि एसिड रिफ्लक्स में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी स्थिति है जो कभी कभार के बजाय लगातार सीने में जलन होने जैसी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के ऊपर की मांसपेशी बहुत अधिक स्थिर हो जाती है और पेट की सामग्री को आपके मुंह में आने की अनुमति देती है। तो पेंटॉप 80mg टेबलेट दोस्तों प्रोटोन नाम का एक पंप इनहिबिटर्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है, या आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। दोस्तों एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से भी यह टेबलेट जो है राहत देती है। प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसे कि आपको बताया गया है। चलिए थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर में इस टेबलेट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पेंटॉप 80mg टेबलेट जो है आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम कर देता है, जिससे अल्सर को और अधिक नुकसान होने से रोकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। अल्सर के कारण के आधार पर आपको इस दवा के साथ अन्य दवाएँ भी दी जाती हैं। आपको दवा को प्रभावी बनाने के लिए बताई गई विधि के अनुसार ही लेते रहना चाहिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है। भले ही लक्षण गायब हो जाए हमारी वार्ड में, फिर भी हमें इस टैबलेट का उपयोग जो है जारी रखना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछे बिना दवाई को बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इस दवा के साथ देखे जाने वाले सबसे आम दुष्प्रभावों में है मितली, उल्टी, सरदर्द, चक्कर आना, पेट फूलना, दस्त और पेट दर्द शामिल है। यह लक्षण आमतौर पर आप हल्के होते हैं, लेकिन अगर ये आपको परेशान करते हैं या फिर दूर नहीं होते तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। इस दवा के लंबे समय तक उपयोग से साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का उपयोग जो है करने से हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ सकता है। खासकर उच्च खुराक के साथ हड्डियों के नुकसान को रोकने के तरीके के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक भी लें, ठीक है। यदि आपको लीवर की गंभीर समस्या है, आप HIV के लिए दवाई ले रहे हैं, तो पहले कभी नई इस तरह की दवाओं से एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई है या हड्डियों के नुकसान से पीड़ित हैं, तो इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं, बहनों को, महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जानकारी जो है पेंटॉप 80mg टेबलेट के बारे में वो समझ आ गई होगी। अगर आपको जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो सॉरी, एक मैं आपको एक और जरूरी बात बताना भूल गया था, इसका MRP दोस्तों 165 रुपये MRP है, 165 रुपये 165 इसका MRP है 10 टेबलेट की पैकिंग का, ओके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।